हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह बाइनेंस का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह बाइनेंस के अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे आपने क्रोम को ओपन कर लेना है और यहां पे binance.com को ओपन कर लेना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि मोबाइल में और यहां पे कंप्यूटर में दोनों का प्रोसेस सेम है। अगर आप विंडोज़ में है, macOS में है, या फिर आप मोबाइल में एंड्रॉयड में है, iOS में है, तो सबका प्रोसेस सेम है। तो जस्ट आपने को फॉलो करना है और आप यहां पे अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं और साथ साथ वेरीफाई भी कर सकते हैं विद इन अ मिनट्स। इस वीडियो को देखने के बाद यहां पे आप बहुत ही इजीली यहां पे अकाउंट को क्रिएट कर पाएंगे और यहां पे वेरीफाई भी कर पाएंगे। तो फ्रेंड, जल्दी से हम यहां पे मैं प्रोसेस को स्टार्ट करता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही आप वेबसाइट को ओपन करेंगे या ऐप को, तो यहां पे आपको रजिस्टर नाउ का एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो फ्रेंड, यहां पे सिंपल आपने रजिस्टर नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे ये देख सकते हैं, आप मोबाइल के थ्रू भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और ईमेल के थ्रू भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे मैं अपना ईमेल के जरिए अकाउंट क्रिएट कर लूंगा। फ्रेंड, यहां पे आपने ईमेल एड्रेस देना और यहां पे आपने कोई सा भी रैंडम सा पासवर्ड देना है। पासवर्ड में कुछ चीजें होनी चाहिए लाजमी, तो वो क्या है, वो आपको बड़े लेटर्स होने चाहिए, छोटे लेटर्स होने चाहिए। यहां पे ये एक सजेस्ट भी करते हैं, लेकिन यहां पे आपने अपना पासवर्ड यूज करना है। उसके बाद फ्रेंड, यहां पे ये देख सकते हैं, आपको यहां पे रेफरल आईडी देनी है। यहां पे आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रही होगी एक रेफरल आईडी, वो वाली आईडी आपने पेस्ट कर देनी है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, नीचे रेफरल आईडी करके लिखा होगा, वो वाली रेफरल आईडी यहां पे आपने पेस्ट कर देनी है। तो जल्दी से मैं यहां पे अपनी इन्फॉर्मेशन फिल कर लेता हूं। तो फ्रेंड्स, यहां पे आप देख सकते हैं, जब तक आप अपर लेटर, छोटे लेटर और यहां पे अपर केस, लोअर केस और यहां पे 8 कैरेक्टर जब तक कंप्लीट नहीं होंगे, आप अपना पासवर्ड यहां पे ये ओके नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, यहां पे एक भी चीज मैं कट करता हूं, यहां पे क्रॉस आ जाएगा और आपका पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं होगा। उसके बाद फ्रेंड, यहां पे ये देख सकते हैं, आपने यहां रेफरल कोड दे देना है। उसके बाद सिंपली क्रिएट अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड, यहां पे ये देख सकते हैं, एक वेरिफिकेशन करनी होगी आपको। उसके लिए यहां पे आपको इसे ला के यहां पे छोड़ देना है। उसके बाद फ्रेंड, यहां पे आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी और उसके बाद यहां पे ये देख सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को सेव कर सकते हैं। ईमेल कोड सेंड सक्सेसफुली, यहां पे हमारा कोड हमारे जीमेल पर आ चुका है। वेरिफिकेशन कोड 6 डिजिट्स का कोड है। तो यहां पे मैं अपने जीमेल में जाता हूं और यहां पे मैं जाके अपने कोड को यहां पे कॉपी करके यहां पे पेस्ट कर देता हूं। तो फ्रेंड, यहां पे कुछ इस तरह का मेल आपके सामने आ जाएगा और यहां पे मैं जो कोड है वो इसे यहां पे कॉपी करता हूं और यहां पे लाके मैं पेस्ट कर देता हूं। तो कोड है हमारा 238452। तो फ्रेंड, यहां पे ये देख सकते हैं, मैंने कोड यहां पे कर दिया है एंटर और यहां पे सक्सेस हो चुका है और यहां पे ये देख सकते हैं, यहां पे लोडिंग होना स्टार्ट हो चुकी है। उसके बाद फ्रेंड, यहां पे देख सकते हैं, हमारा अकाउंट सिंपली क्रिएट हो चुका है। ऊपर एक पॉपअप आ चुका है वेरीफाई का। तो फ्रेंड, यहां पे ये यह लिखा है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इंटरमीडिएट वेरिफिकेशन टू एक्सेस बाइनेंस सर्विसेज, प्लीज वेरीफाई नाउ एंड गेट अ 500 BUSD सेविंग ट्रायल फंड वाउचर। यहां पे आपको 500 BUSD का वाउचर मिल जाएगा अगर आप फौरन ही इसकी वेरिफिकेशन करेंगे। तो फिर मैं आपको यहां पे फुल स्टेप्स बताने वालों किस तरह आपने वेरीफाई करना है। तो फ्रेंड, यहां पे ये देख सकते हैं, कुछ गेट स्टार्टेड विद क्रिप्टो, यहां पे कुछ यहां पे उन्होंने दिया और सिखा रहे हैं आपको किस तरह आपने इसको यूज करना है। सिंपली मैं आपको वेरीफाई करके दिखा देता हूं। तो सिंपली वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड, यहां पे आपने फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपनी कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है। आपकी जो भी कंट्री हो यहां पे आप सर्च करके सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरी कंट्री पाकिस्तान है तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। अगर आप इंडिया से या किसी और कंट्री से बिलोंग करते हैं तो आपने सिंपली यहां पे अपनी कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड, यहां पे देख सकते हैं, वेरीफाइड जो है, रिव्यू टाइम 10 डेज लग सकता है आपको वेरीफाइड होने के लिए। फेशियल रिकॉग्निशन, गवर्नमेंट इश्यू आईडी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह देनी पड़ सकती है। तो सिंपली यहां पे आपने स्टार्ट नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहां पे ये देख सकते हैं, मैं स्टार्ट नाउ के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करता हूं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फर्स्ट नेम अपना देना होगा और लास्ट नेम देना होगा, जो यहां पे मैं देख देता हूं। अगर आपके 3 नेम है तो आपने मिडिल नेम भी यहां पे देना है, मुझसे गलती से हो गया। और यहां पे मैं फर्स्ट नेम दे देता हूं, यहां पे अपना मिडिल नेम दे देता हूं फ्रेंड जल्द से, और ऊपर आपने यहां पे अपना लास्ट नेम दे देना है। तो फ्रेंड, यहां पे देख सकते हैं, मैंने फर्स्ट नेम और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने दे देनी है। तो मैं जल्दी से अपनी डेट ऑफ बर्थ दे देता हूं। यहां पे ये देख सकते हैं, मैंने इन्फॉर्मेशन फिल कर दी। उसके बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद रेजिडेंटल एड्रेस देना, जो भी आपका कंप्लीट एड्रेस हो वो एड्रेस दे देना, और यहां पे पोस्टल कोड देना, और यहां पे आपने अपनी सिटी को दे देना है। उसके बाद सिंपली मैं कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करता हूं। उसके बाद फ्रेंड, यहां पे ये देख सकते हैं, हम दो तरह से यहां पे वेरीफाई कर सकते हैं, एक पासपोर्ट के जरिए और उसके अलावा हम यहां पे नेशनल आईडी के जरिए भी अपनी वेरीफिकेशन कर सकते हैं। तो अगर आपके पास पासपोर्ट अवेलेबल है, तो पासपोर्ट ज़्यादातर लोगों के पास, अक्सरियत के पास ये नेशनल आईडी अवेलेबल है, तो सिंपली नेशनल आईडी इंग्लिश में होना चाहिए फ्रेंड, ये एक चीज़ याद रखना। अगर आपका कार्ड उर्दू में है तो यहाँ पे जो पीछे इन्फॉर्मेशन हमने नेम वगैरह एड्रेस वगैरह दिए वो आपने उर्दू में देना है। सिंपली कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, उन्होंने कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है, गवर्नमेंट इशूड आईडी होनी चाहिए, ओरिजिनल फुल साइज होनी चाहिए, एडिट नहीं होनी चाहिए, आपको एक पिक ओरिजिनल जो आईडी कार्ड की उसकी पिक ही लेनी होगी। और यहाँ पे ये गुड है, यहाँ पे ये अगर आपकी हाफ पिक है ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ब्लर हुई तो नहीं एक्सेप्ट
एडिट करेंगे। और यहाँ पे ये देख सकते हैं उन्होंने रीडेबल होनी चाहिए, ब्लैक और व्हाइट इमेजेस नहीं होनी चाहिए, एडिटेड और एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। सिंपली यहाँ पे फ्रंट मैं ओपन कर देता हूँ, जो फर्स्ट फ्रंट आईडी को अपलोड करता हूँ, यहाँ पे बैक आईडी को अपलोड करना है। सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने फ्रंट आईडी को अपलोड कर लेता हूँ जल्दी से। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं मैंने फ्रंट जो इमेज है उसे अपलोड कर दिया, उसके साथ साथ मैं अपने बैक आईडी कार्ड की बैक इमेज को भी अपलोड कर देता हूँ जल्दी से। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं मैंने बैक को भी अपलोड कर दिया है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे ये देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर इमेज है। उसके बाद सिंपली कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपने एक सेल्फी लेना होगी एक अदद, तो यहाँ पे टेक अ सेल्फी फोटो। यहाँ पे उन्होंने कहा योर सेल्फ विद अ न्यूट्रल एक्सप्रेशन, मेक श्योर योर होल फोस इज विजिबल सेंटर्ड एंड योर आइज आर ओपन। तो फ्रेंड यहाँ पे एक सेल्फी लेनी होगी। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने अपनी सेल्फी भी अपलोड कर दिया। उसके बाद सिंपली मैं कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ फ्रेंड। उसके बाद यहाँ पे ये देख सकते हैं फेशियल रिकॉग्निशन, यहाँ पे आई हैव कम्प्लीटेड दिस ऑन माई फोन। यहाँ पे ये देख सकते हैं ओपन बाइनेंस ऐप को आपने अपने फ़ोन में ओपन करना है और क्यू आर कोड को स्कैन करना है। तो फ्रेंड जल्दी से मैं बाइनेंस ऐप को यहाँ पे वर्जन भी इन्होंने दे रखा है 2.1.8.0 और अबव होना चाहिए। यहाँ पे जो वर्जन लेटेस्ट वर्जन आपको प्ले स्टोर से इजीली मिल जाएगा, वहाँ पे डाउनलोड करना है और इस कोड को स्कैन करना है। तो फ्रेंड जल्दी से मैं बाइनेंस ऐप को ओपन करके यहाँ पे कोड को स्कैन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपने मोबाइल में यहाँ पे वेरिफिकेशन कर ली अपने फेस रिकॉग्निशन की। यहाँ पे आपने अपने क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा अपने पीसी पे अपने मोबाइल ऐप से। यहाँ पे ऊपर आपको यहाँ पे ये देख सकते हैं स्कैन का एक ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे ही आप टैप करेंगे आपका कैमरा ओपन हो जाएगा, मैं आपको करके दिखा भी देता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मैं यहाँ पे टैप करता हूँ यहाँ पे क्यूआर कोड ओपन हो जाता है। इसे आपने अपने पीसी पे स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपका फेस रिकॉग्निशन होगी, आपने अपना फेस फ्रंट पे करना है और आपकी फेस रिकॉग्निशन होने के बाद 10 से 15 मिनट के अंदर आपका अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे ये देख सकते हैं मेरा अकाउंट जो यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे लिखा आ चुका होगा इंटरमीडिएट वेरीफाइड। यहाँ पे मेरा इंटरमीडिएट वेरीफाइड हो चुका है। इंटरमीडिएट वेरीफाइड का क्या मतलब है मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ ओपन करके। यहाँ पे मेरी यहाँ पे ये देख सकते हैं अकाउंट मेरा कंप्लीटेड हो चुकी है वेरीफिकेशन। यहाँ पे डेली का जो मैं विड्रॉ डिपॉजिट कर सकता हूँ $50,000 तक मैं डेली डिपॉजिट और विड्रॉ भी डेली में $50,000 तक कर सकता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं पी टू पी जो ट्रांजेक्शन अनलिमिटेड और विदड्रॉल डेली में क्रिप्टो लिमिट्स जो है 100 बिटकॉइन है डेली, जो कि बहुत ही ज़्यादा लिमिट है। अगर इससे भी ज़्यादा आप वेरीफाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये देख सकते हो ऊपर आपको एक ऑप्शन मैं दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे एक वेरीफाइड प्लस का ऑप्शन मिल जाएगा। वेरीफाइड प्लस का ऑप्शन के लिए सिर्फ आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस देना होगा। आप कोई बैंक की स्टेटमेंट भी दे सकते हैं और कुछ भी आप दे सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे स्टैंडर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करके आपने सेंड करना होगा प्रूफ ऑफ एड्रेस। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं आपका यहाँ पे वेरीफिकेशन हो जाएगी फुल्ली और फिर अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं बेसिकली यही था आज का फंड और यहाँ पे मैंने कुछ मनी भी डिपॉजिट की है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। और यहाँ पे ये देख सकते हैं मेरा जो बैलेंस आप चेक कर सकते हैं $83। तो फ्रेंड यहाँ पे ये देख सकते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह इसमें मनी डिपॉजिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड अगर आज की हमारी वीडियो आपको पसंद है तो कर दीजिए लाइक सब्सक्राइब, और अगर किसी भी बात को आपके समझ नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसमें इन्वेस्टमेंट किस तरह करनी, किस तरह इससे नहीं करनी, सब चीज़ें हमारे नेक्स्ट वीडियोज में मैं बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप। एक कंप्लीट प्ले लिस्ट बनेगी इस पर। तो बेसिकली वीडियोज अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक करके हमारे मोटिफिकेशन को बढ़ाइए और नेक्स्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका होस्ट एवरी टाइम।